गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत आज जो प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं वह है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी को सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आप इस निबंध की व्याख्या को समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। आइए चैप्टर को समझते हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन एक निबंध है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह एक निबंध नहीं है बल्कि एक अनुवाद है। संस्कृत के महान कवि हुए हैं माघ, तो माघ कवि ने संस्कृत भाषा में प्रभात काल के सौंदर्य का जो वर्णन किया उसी का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में किया। आइए इस निबंध के की व्याख्या को समझते हैं। द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में महाकवि माघ के वर्णन के प्रभात वर्णन के सुंदर स्थलों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रकृति वर्णन को समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। माघ के संबंध में कहा भी गया है, माघे संति त्रियो गुणा। यहाँ त्रियो गुणा से तात्पर्य श्रेष्ठ उपमाएं, अर्थ गौरव एवं पद लालित्य से है। यहाँ पे जो ये संस्कृत की पंक्ति है इसका अर्थ है कि माघे संति त्रियो गुणा, यानी कि माघ में तीनों गुण विद्यमान हैं। यहाँ महाकवि माघ के विषय में एक काव्य प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रियो गुणा। तो इस काव्य का अर्थ यह है कि उपमा कालिदासस्य अर्थात उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरवम अर्थात अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है, और दंडी पद लालित्यम अर्थात पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से माघे संति त्रियोगुणा, माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं, उपमा अर्थगौरव और पद लालित्य, ये तीनों माघ के काव्य में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति का प्रयोग किया है। प्रस्तुत निबंध में सूर्य चंद्रमा एवं नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन है। मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। आइए शुरू करते हैं। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है, यानी कि कुछ ही समय शेष है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। यहाँ पर उस समय का वर्णन है कि जब रात पूरी तरह से व्यतीत नहीं हुई है और सुबह होने वाली है। अब यहाँ पर सप्तर्षि नाम के तारे होते हैं, एक जो सात तारों का समूह होता है उन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। उनकी स्थिति को बताया गया है कि वे आसमान में कुछ इस स्थिति में हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे झुका है और अगला भाग ऊपर को है। उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से उनकी स्थिति है। सात जो तारे हैं उनकी स्थिति इस प्रकार से है। अब यह कहा गया है कि उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका है, यह है, और अगला भाग ऊपर को है, यह है। वहीं उनके अधो भाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। अधो भाग अर्थात नीचे के भाग में, अर्थात सप्तर्षि जो तारों का समूह है उनके यहाँ पर। तो आगे देखिए,
सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है। ये सप्तर्षि जो तारे हैं इनको गाड़ी के समान बताया गया है। ऐसी गाड़ी के सदृश, ऐसी गाड़ी के समान जिसका जुबा ऊपर को उठ गया हो और इसी से उसके और ध्रुव तारों के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। अर्थात शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सप्तासुर नाम का एक दानव उनके पास आ गया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी और उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चिम भाग अर्थात पीछे का भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की स्थिति का है। वे कुछ तो उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। अर्थात सप्तर्षि तारों को सक्टासुर कहा गया है और ध्रुव तारे को श्री कृष्ण कहा गया है। अगले पहले की व्याख्या देखिए।